प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको याद है, बीएससी पार्ट थ्री के रसायन शास्त्र विषय का जो प्रायोगिक पाठ्यक्रम है उसमें हम लोगों ने चार इनऑर्गेनिक प्रिपरेशंस अभी तक बना ली है और आज हम चौथी ऑर्गेनिक प्रिपरेशन बनाने जा रहे हैं। मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ कि इन प्रयोगों को जो मैंने आपको बताए हैं उनको आपको ये जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें इस प्रकार से रिकॉर्ड करना है कि जो लाइन वाली साइड है उस पर आपको एक्सपेरिमेंट नंबर, क्या एक्सपेरिमेंट आप करने जा रहे हैं वो लिखना है, उसके अलावा आवश्यक रसायन, आवश्यक उपकरण, बनाने की विधि, सावधानियां, लास्ट में यील्ड भी आपको लिखनी है, और ये जो प्लेन साइड है इस पर आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है। आज हम जो प्रयोग करने जा रहे हैं वह है एसिड एनलाइड से पैरा ब्रोमो एसिड एनलाइड का बनाना। यह जो प्रयोग है इसमें ये जो आवश्यक रासायनिक समीकरण है वो यहाँ पर लिखी हुई है। एसिड एनलाइड का जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमें ऑर्थो और पैरा दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। जो ऑर्थो उत्पाद है वो थोड़ी सी मात्रा में प्राप्त होता है और जो पैरा उत्पाद है वो अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होता है। इस प्रयोग में जो आवश्यक रसायन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एसिड एनलाइड की रिक्वायरमेंट रहेगी, एसिड एनलाइड का बॉक्स है। उसके बाद ग्लेशियल एसिटिक एसिड की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड की बॉटल है। और ब्रोमीन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो ये ब्रोमीन की बॉटल है। इसके साथ साथ आपको आइस की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। आइस हमने यहाँ पर आइस ट्रे से निकाल करके इस बीकर में स्टोर किया हुआ है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, वॉच ग्लास लेना है, वॉच ग्लास को ड्राई करके उसको साफ कर देना है। साफ करके वॉच ग्लास को आप जो है बैलेंस पर लेंगे और उसे टेयर कर लेंगे। टेयर करने का उद्देश्य यही होता है कि उसमें वॉच ग्लास का जो वेट है वो जीरो हो गया है, ताकि हम जो रसायन वे करने जा रहे हैं केवल उसी का वेट हमें नज़र आएगा। इस प्रयोग में आपको एसिड एनलाइड जो है वो 5 ग्राम लेना है। ये हमने 5 ग्राम एसिड एनलाइट वे कर लिया है। एसिड एनलाइट के क्रिस्टल जो है ये चमकीले होते हैं, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल। अब इनको हम इस बीकर में ट्रांसफर कर देंगे। एसिड एनलाइट को वे करने के बाद अब हम एसिटिक एसिड की थोड़ी सी मात्रा में इसको डिसॉल्व कर लेंगे। यहाँ हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड लिया है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड का डिफरेंस आप लोगों को पता है कि एसिटिक एसिड की जो प्योर फॉर्म है वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहलाती है। अब इस जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड में हमने एसिड एनलाइड मिलाया है इसको हम लगभग 10 से 15 मिनट के समय के लिए रख देंगे और इसमें हम ब्रोमीन मिलाएंगे। ब्रोमीन हमें यहाँ पर मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करते हुए लगभग 5 ml लेनी है। ये 5 ml ब्रोमीन हमने वे करके मेजर करके इसमें मिला दी है। अब ये जो मिश्रण बना इसको हम ढक देंगे वॉच ग्लास की सहायता से और इसको आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटे के लिए जब हमने इस मिश्रण को छोड़ दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस मिश्रण के जो कंटेंट बने हैं उनको हम पहले से जो बर्फ का ठंडा पानी है उस ठंडे पानी में इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो धीरे 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 आपको ये एसिड एनलाइड बनता हुआ नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये एसिड एनलाइड जो है पैरा ब्रोमो एसिड एनलाइड के क्रिस्टल जो है ये यहाँ पर आप देखें इसमें कि ये सस्पेंडेड फॉर्म में पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से जो है आपका पैरा ब्रोमो एसिड एनलाइड और ऑर्थो ब्रोमो एसिड एनलाइड का मिश्रण बनता है, लेकिन पैरा ब्रोमो एसिड एनलाइड की मात्रा 80% होती है और ऑर्थो की जो है केवल 20% होती है। थैंक यू।